अनीमिया यानी कि खून की कमी, यानी कि आरबीसी की कमी हो जाना, एचबी का कम हो जाना आपके खून के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और भारत के अंदर बहुत सारे लोग, लगभग मिलियंस के करीब लोग हैं ओवरऑल वर्ल्ड में इससे पीड़ित हैं। खास करके ज़्यादातर जो रिसर्च के अंदर पब्लिश हुआ है, जो परसेंटेज है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाले, अनीमिया खून की कमी वाले जो भारत के अंदर लोग मिल रहे हैं, जिनके अंदर खास करके दो तरह के न्यूट्रिशन की कमी वाले लोग भारत के अंदर मिल रहे हैं। पहला है आयरन, दूसरा है विटामिन B12 की बात करें तो। NFHS की जो जर्नल की पब्लिकेशन है उसके अंदर पता लगा कि सबसे ज़्यादा भारत में महिलाएं और छोटे बच्चे अनीमिया खून की कमी से पीड़ित हैं, बड़े तो इससे लोग है ही हैं। और NCBI और नेशनल इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे फल और सब्जियों के ऊपर साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं कि अगर आप ये फल और सब्जियां कुछ दिन जूस बनाकर पी लें तो आपका खून 10 गुना तेजी से बढ़ने लग जाएगा, आरबीसी बढ़ने लग जाएंगे, आपका एचबी बढ़ने लग जाएगा। और कुछ साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं उन्होंने कुछ सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर। उनके अंदर पहला जो साइंटिफिक एविडेंस उन्होंने दिया है बीट रूट चुकंदर, दूसरा एविडेंस उन्होंने दिया है स्पाइनेज यानी कि पालक, और तीसरा दिया है पोमग्रेनेट यानी कि अनार, चौथा दिया है कैरेट यानी कि गाजर, और पांचवा दिया है सेब। इनके ऊपर जो एविडेंस रिसर्च के अंदर पता लगा है कि ये सभी HB को बढ़ाते हैं, इनके अंदर फोलेट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आयरन को बढ़ाता है, और ये विटामिन्स इनके अंदर इतने मिल जाते हैं कि आपके अंदर खून की कमी रहती ही नहीं है। जानने से पहले कैसे ये घरेलू दवा आपने इन जूस से तैयार करनी है, कितनी मात्रा में पीना है, कितने दिन पीना है, उससे पहले जान लेते हैं कि खून की कमी के लक्षण कैसे होते हैं। खून की कमी के लक्षण आपके बालों से शुरू हो जाते हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, बाल दो मुहे हो सकते हैं, स्किन पर आ जाते हैं, फिर स्किन आपकी ढीली हो सकती है, पीलेपन में हो सकती है। उसके बाद ये लक्षण आपकी ओवरऑल बॉडी पे चले जाते हैं, आपके जोड़ों के अंदर दर्द हो सकता है, कमजोरी यानी कि फटीग हो सकता है, मन का ना लगना हो सकता है, स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है, महिलाओं के अंदर महावारी का ना आना हो सकता है, और भी बहुत सारे लक्षण इसके अंदर मिलते हैं। मेन ये लक्षण आपको मिल सकते हैं, जैसे कि सांस का चढ़ना भी इसके अंदर आ जाता है, तो ऐसे लक्षण आपको मिल सकते हैं। अब चलते हैं कि सबसे पहले बीट रूट जूस के ऊपर रिसर्च पब्लिश हुई है कि NCBI के जर्नल के अंदर ये पता लगा है कि आयरन, खास करके जिन लोगों को आयरन की कमी होने की वजह से अनीमिया होता है, खून की कमी होती है, बीट रूट जूस के अंदर आयरन भारी मात्रा में होता है, फोलेट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये तीनों मिलकर आपके अंदर आयरन को बढ़ा देते हैं, एचबी आपका बढ़ने लग जाता है, आरबीसी सेल आपके बढ़िया तरीके से बनने लग जाते हैं। दूसरी जो रिसर्च पब्लिश हुई थी स्पाइनच जाने की पालक के ऊपर, दोस्तों पालक के अंदर देखा गया है कि आयरन बहुत भारी मात्रा में होता है, B12 बहुत भारी मात्रा में होता है, फोलेट होता है, ये सारी चीज़ें आयरन, B12, फोलेट आपका HB बनने के लिए, फॉर्मेशन होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो पालक एक ऐसी सब्जी सबसे ज़्यादा सस्ती है, आसानी से हर जगह ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है। जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि खास करके HB लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, दवाइयों से भी ज़्यादा तेज़ी से, का बात करें तो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा है पॉमग्रेनेट यानी कि अनार, अनार के अंदर देखा गया कि आयरन और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आयरन और विटामिन सी आप किसी भी डाइट के अंदर से लेते हैं तो आपका शरीर आयरन को चूसने लग जाता है, आप कुछ भी खाएंगे उससे आयरन आपका शरीर बहुत तेज़ी से निकालने लग जाता है, तो आयरन आपके फिर खून के अंदर ज़्यादा मात्रा में जाने लग जाता है, तो आपका HB बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ता है। एविडेंस बेस्ड कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसन्स के अंदर ये रिसर्च पब्लिश हुई थी कि अगर आप अनार का जूस भी लेना शुरू कर देते हैं, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है आपके बहुत ज़्यादा तेज़ी से HB को लेवल अप करते हैं। नेक्स्ट है चौथा, वो है कैरेट जूस यानी कि गाजर का जूस। गाजर के जूस के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। ये तीनों एलिमेंट आपके ब्लड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल
प्ले करते हैं, ये पूरे ब्लड हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। आपके कोई भी आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम आती है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हर तरह के अंदर ब्लड को सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर रिसर्च तो इसकी लिमिटेड है, पर ओवरऑल ये आयरन अब्जॉर्प्शन की जो पावर है उसको बढ़ा देते हैं। कि आपका शरीर है, कुछ भी आप खाते हैं, अनीमिया आपको हुआ क्यों है, खून की कमी आपको हुई क्यों है, दो तीन मेन कारण हो सकते हैं कि या तो आप डाइट से ही आयरन कम ले रहे हैं, या आपका शरीर आयरन को सही तरीके से एक तरह के रिएक्शन में नहीं ले रहा है। तो ये आपकी आयरन को अब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा देता है गाजर का जूस, जिससे आपका एचबी लेवल अप होने लग जाता है। लास्ट पांचवा है, वो है एप्पल जूस। ये फल है, इसके अंदर एप्पल के अंदर आयरन होता है, विटामिन सी होता है, ये भी आपके आयरन अब्जॉर्ब की जो पावर है उसको बढ़ाता है। आपका शरीर तेजी से आयरन को कुछ भी खाएंगे उससे निकाल कर आपके खून के अंदर डालना शुरू कर देता है। जर्नल ऑफ फूड साइंस के अंदर ये रिसर्च पब्लिश है कि खास करके सीरम फेरेटिन को बढ़ाता है, ये आगे चलकर आपके आयरन के स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाता है। आपको पता होना चाहिए कि आयरन कुछ महीनों के लिए आपका शरीर स्टोर कर ही रखता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अगर दो तीन महीने तक भी अच्छा खाना ना खाएं उनका एचबी 11 12 प्लस रहता है। तो ज़्यादा लंबा समय जब अपने न्यूट्रिशन को वो डिनाई करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, तो दो तीन महीने तक ये स्टोर वो यूज करते हैं, उसके बाद खाली होता है, एकदम से एचबी उनका 6 7 8 तक घूमता रहता है फिर। तो ये स्टोरेज के लिए सीरम फेरेटिन को बहुत ही बढ़िया तरीके से एप्पल जूस बढ़ाता है। जर्नल ऑफ फूड साइंस के अंदर ये रिसर्च पब्लिश हुई थी। अब चलते कि इन सभी को मिक्स करके कैसे एक आप हेल्थ ड्रिंक, पावरफुल हेल्थ ड्रिंक बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको मीडियम साइज बीटरूट, यानी कि चकंदर। इसको अच्छे से साफ करके इसका छिलका उतार लें, छोटे छोटे पीस कर दें। आपको कुछ पत्ते चाहिए पालक के, 5 से 10 पत्ते हो सकते हैं सफिशेंट आपके लिए। एक अनार का आपको पूरे बीज चाहिए, छिलका फेंक दे कोई उसका फ़ायदा नहीं है, हमें अकेले बीज चाहिए एक मीडियम साइज अनार के। 2 चाहिए हमें गाजर इस जूस को तैयार करने के लिए। 1 चाहिए सेब, इसका भी आप छिलका उतार लें दोस्तों। अब इनका सभी का मिक्स करके आप जूसर के अंदर जूस निकाल लें और सुबह उठते ही खाली पेट आप इस नुस्खे को पीना शुरू कर दें, तो कुछ दिनों के भी अंदर आपको इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ही आप पाएंगे आपकी डल चेहरे के ऊपर जान आने लगी है, आपका सांस चढ़ना बंद हो गया है, आपकी फालतू की कमजोरी दूर होने लगी है, जो आप काम करते हुए और बिना काम किए हुए भी आपकी बॉडी थकान के मोड में रहती थी, आप एक्टिव महसूस करेंगे, रिफ्रेश आप महसूस करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर से भी महसूस करेंगे, अपने दिमाग से भी, अपने शरीर से भी आपको ताजगी महसूस आएगी, पावरफुल महसूस करेंगे। क्योंकि अगर एचबी लो हो जाए तो आपका भी बैटरी की तरह ही है, लो हो जाते हैं आप। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इसको लगातार आप 45 दिन तक यूज कर लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, विटामिन B12 का आप टेस्ट करवा सकते हैं, CBC की रिपोर्ट से भी आप पता करवा सकते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी कौन से लेवल से चल रही है। इसके लिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पकड़ने के लिए बहुत सारे और भी टेस्ट हैं, आपका लीवर ठीक होना चाहिए, लीवर के टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं। तो सारे टेस्ट डॉक्टर से भी जरूर कंसल्ट कर लें ताकि आप परमानेंट इलाज इसका कर सके। बाकी ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा घरेलू दवा काम आएगी, इसको जरूर यूज करके देखिएगा। अगर एचबी कम भी नहीं है तब भी अगर आप ये यूज कर लेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर एक नई सी जान, नई सी स्फूर्ति पैदा कर लेंगे। आप यूज जरूर करके देखिएगा इसको एक बार। उम्र चाहे आपकी 40 है, 50 है, चाहे उम्र आपके घर में कोई बच्चे हैं 12 13 14 साल के, कोई भी उम्र है 60 साल, 70 साल, 80 साल, एक बार यूज कर लीजिएगा। फिर मुझे नेक्स्ट डे 2-4 दिन बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको फ़ायदा मिला, कौन से सिटी से आपने बैठकर इस वीडियो को देखा है। दोस्तों जरूर कमेंट करके लिखिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन आएगा उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि आप तक ऐसी हर रोज लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।